इनकी ना चार पौड़ियां लगी हुई हैं, ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उनकी तीन है वो कुछ कम लग रहा है। यहाँ पे जी शबाज साहब रेत का बोरा लेके जा रहे हैं, आप भी रेत का बोरा लेके जाएंगे? क्या हो गया भाई को? जो निकल जाए। अच्छा अच्छा, उसके साथ सुकून भी और बलगम का भी हुआ है ना, कि जो यानी कि सांस की नाली में बलगम जमी पड़ी है वो सही हो जाए। अच्छा अच्छा, आप ही कुछ घंटा तो घंटा सुकून होगा ना। आप तो डॉक्टर फील्ड में जानते ना, आपको भी चाय मिल गई है माशाल्लाह। असलम खान को भी चाय मिल गई है, बैठ के पी रहे हैं। मुझे भी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत तो कुछ है थोड़ी सी खराब। गोलियां मिली थी जी, इनाम ले लिया जट साहब ने, बहुत खुश हैं माशाल्लाह। 1000 रुपया और इधर कामरान ने भी ले लिया, साजी ने ले लिया, सब ने ले लिया जी, सब ने 1000 इनाम ले लिया। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम है, फिट फाट है। अपना सुनाए हो है। हाँ जी, हो है जी। गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है। गर्मी हमें क्या लगी है, हम एसी कार में बैठे हैं। मेहरान की शक्ल देखे, मेहरान ने वजन भी बहुत सारा उठाया। ये न्यू कपड़े आ गए है ना, ये आ गया सूट कॉटन का। गर्मी खत्म होने को अभी अभी हमें मिला है। हाँ जी, और क्या क्या ले आया मेहरान? जैनब ये उठाना, सीधा जाके रख दो। अंगूर, इनके लंच बॉक्स, बैग, और उसके बाद ये बीबी का है ना, बीबी के अंगूर। ये जैनब का है, ये जैनब का है, ये छोटा बीबी का है, बड़ा जैनब। चलो सिलेक्ट कर लो एक, जो भी कहो जैनब का है वो। हाँ, ठीक हो गया। चलो जी, ये अंदर चल के रख दें। चलें, आपने पानी पीना है, जूस पी के आए हो? जूस पिया है, वैसे पानी की तलब हो रही है। चलो चल, पानी पी रहा है। हाँ, ये जी चोट लई है, बन गया नशई है, इश्के जी चोट लई है, बन गया नशई है। क्या हो रहा है अंगूर? वाजीबा वाजीबा, क्या ही बात है। यहाँ पे जी अंगूर बांटे जा रहे हैं, ये देखें काटे जा रहे हैं, और लच्छे 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 बना के दे रहे हैं। कौन कौन ले गया? बस मैं साहब और मेहरान साहब ले गए। ये तो अपनी खुशी में पागल है, ला के ले आइए। स्पाइडरमैन आपका, और ये स्पाइडरमैन हो, सवेरा की तबीयत जी खराब है, उसके लिए दुआ करनी है। बाल से बुखार है, तबीयत खराब है, अल्लाह खैर करेगा। और यहाँ पे अंगूर खा रहा है बच्चा। मौसम को बुलाओ, पता है किधर गया है? इधर इधर बख्तावर को भी दो, जैनब को, मुझे भी दो। वो अंगूर लेके बाहर निकल गया। खा सकता है बिला तकल्लुफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, तबीयत से ठीक? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। हम भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम शुक्र अज़ात पाक का एहसान है जी। और दुआ करते हैं आपके लिए, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, भूलें ना हमें, हर वक्त याद रहें। तो खसूसी दुआ, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अभी बहर जो है आ चुके हैं, तो देखते हैं कि मिस्त्री मजदूर जो हैं वो क्या कर रहे हैं।
वो भी आपको दिखाते हैं और जज साहब से आपको मिलवाते हैं जी। चलो चलो देखते हैं क्या होता है। इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में, इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम जट साहब, क्या हाल है जट साहब, क्या हाल है, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है आपकी, राजी हैं, फिट हैं? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नींद पूरी हो चुकी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सोते हो यार, बहुत सोते। नहीं यार, आए थे रात 2 बजे। सोते हो आप, इतना नींद हमें नहीं आती रात। अच्छा 2 बजे रात आए हैं, लेट थी, फिर मैं उठ गया था तकरीबन 1 बजे तो रात मैं सोता हूँ। अच्छा मोबाइल पे लगा रहता हूँ, लगा रहता हूँ। मोबाइल पे क्यों लगे रहते हो? वैसे ही मैं तो, हम तो सफर पे गए थे रात को 2 बज गए। फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं। अच्छा किसी को लाइक देते हैं, किसी के लेते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गुड हो गया जी। और यहाँ पे जी ये देखें, ये सीढ़ी बनाई जा रही है जी जबरदस्त, यहाँ से चल के ऊपर। क्या प्लास्टर हो चुका है कमरे? नहीं, सुबह ही चला शुरू हो गया, रेत बड़ी लेकर आई है, ये फर्श से डाल दिया है। अच्छा अच्छा चलो जी, गुड हो गया माशाल्लाह। हाँ जाट साहब, चाय पी गए हो अकेले? नहीं अभी आई नहीं है चाय। चलो शुक्र है यार, मैंने कहा चाय बनी नहीं, आज लेट हो गई, आज दूध नहीं था, फर्स्ट टाइम की पी है। अच्छा सेकंड टाइम की अभी आई नहीं है। चलो आ जाएगी, टेंशन ना ले, इंशाल्लाह आ जाएगी। हां भी आया अभी तो कोई यार, वो बोतल किसने पिलानी थी? मैं वो मुखलिस भाई पिलाएंगे बोतल। वो किस तरह? मुखलिस भाई ने पिलानी है ये, वो मुखलिस भाई पिलाएंगे। वो किस तरह, ये तो बताओ किस तरह पिलानी है? वो इस तरह पिलानी है कि वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है जनाब, आपने जुर्माना लगाया था किसको? मुझको। अच्छा मैंने इधर बोतल मंगवाई थी। हाँ जी, तो आप इधर से चले गए थे। अच्छा आपको फोन किया था, आपने कहा मैं तो जल्दी जल्दी चला गया हूँ। अच्छा, मुझे काम था। अच्छा मैंने कहा कि भाई बोतल मैंने मंगवाई है जुर्माने वाली, तो फिर आपने कहा तो मेरी तो ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं है। मैं समझाता हूँ, मुझे समझ आई है। उस दिन आपने इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। हाँ जी, बोतल पिलाएगा जट। हाँ तो जट ने बोतल मंगवा ली, लेकिन आपको फोन किया, आपने कहा यार मैं तो चला गया हूँ, तो इसने कहा फिर आपको जुर्माना है। हाँ जी, बोतल तो आपने पी ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जट ने फिर आप पे जुर्माना रख दिया है। अब वो वाली बोतल आपने पिला ली है। अच्छा ये बात है, ये बात नहीं समझा सके जट साहब, यार कमाल है। आपने नहीं पी ना, इसलिए आपको जुर्माना लगा, इसीलिए आपको जुर्माना, मतलब कि मैंने जुर्माना लगाया, बोतल आ गई और मैं मौजूद नहीं था, तो इसने मेरी मिस्टेक हुई और मुझ पर जो है बोतल पड़ गई। जंबो। अच्छा इस तरह, चलो इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में जी जी। हाँ जी, जब जुर्माना, हमने ये पूछना था कि वो बोतल फिर कब आ रही है। बस बोतल अभी मंगवा लेते हैं चाय के बाद। अभी गर्मी चाय है, चाय के बाद बोतल है, चाय के बाद बोतल। हम ना सुबह मंगवा लेते हैं। चलो सुबह, ये भी सही है, सुबह मंगवा लें। ठीक हो गया, तो सुबह मंगवाएंगे, अभी चाय पीते हैं, बोतल सुबह मंगवा लेंगे, फर्स्ट टाइम। ओके हो गया, फर्स्ट टाइम आ गया। वाह जी वाह, खाना खाएंगे ना ब्रेक के टाइम, ठीक हो गया। और हुक्म बात, जुर्माने भर दे, जुर्माने आपने भर दिया, हम क्यों ना भरें जी, हम भी भर देते हैं। जुर्माने तो आपको लगाना तो नहीं चाहते फिर? नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर जुर्माना लगा सकते हैं तो हम पे भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमें खुशी तो नहीं थी आपको जुर्माना लगा, नहीं कोई बात नहीं, मेल जल को पी लेंगे, क्या ऐसा ही बहाना ही होता है बोतल पीने का, और क्या होता है। यहाँ पे जी सेटिंग हो रही है जबरदस्त, और यहाँ से जो है, यहाँ से ऐसे सीढ़ी पे चढ़ेंगे जी, ऐसे ऐसे चढ़ेंगे, चढ़ते जाएंगे ऊपर आ जाएंगे। देखो क्या यहाँ पे, ये देखें जी फर्श जो है, देखे कुछ अधूरा रह गया है, कुछ बन गया है, और इधर से भी ये देखें, फर्श प्लास्टर हो गया, उस कमरे का भी, उसका भी।
एक हो गया, ये दीवारों वाला जो प्रस्तर है वो कल से शुरू करेंगे, बहुत बेहतरीन माहौल बन जाएगा जी, जबरदस्त। उसका लेवल अपने था, अच्छा लग रहा था, है तो छत थी ना, वो बुरी लग रही थी। हाँ जी, इसलिए हम ये भी कह रहे हैं इसका भी लेवल चेंज करें। ये जी शबाश, अस्सलाम वालेकुम। रेत लेके जा रहा है शबाश जी, जी रेत। माशाल्लाह मेहनत पे लग गए हो, माशाल्लाह अच्छी बात है, मुफ्त का खाते थे। नहीं, कुर्सी चली गई है, कुर्सी छोड़ दी है ना इसलिए। वो तो भाई मान की होती है, चोरी कब होती है? कुर्सी छोड़ दी जब सब कुछ माल मटेरियल जेब में डाल लिया, फिर कुर्सी छोड़ दी, क्या फायदा? आप गरीबों को सड़क पर लेकर ले आ के आप भी सड़क पे आ गए। जो जाट होता है उसका दिमाग केड़ा 12 बजे पागल हो जाता है, ये अभी 12 से ऊपर टाइम हो गया है, अभी फिर पागल हो गया है, ये पागल हो गया, अभी बोतलें कभी मंगता कभी चाय मंगता, ये पागल है। हाँ, ये क्या कह रहा है यार शबाब तेरे बारे में? 12 बजे के बाद कहता है, 12 बजे के बाद जाट पागल हो जाता है। ये साठ फटके गया है, ये और कुछ नहीं है, ये जेलस होता है। अच्छा, जेलस होता है, आपसे जेलस होता है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, है थोड़ी सी जेलस कर लेगा तो कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जाता कुछ नहीं है, आता है बस, जाता कुछ नहीं है। यहाँ से जी रोड़े मोड़े उठा रहे हैं, रेडी में डाल रहे हैं। वो मुंशी साहब फोन कर रहे हैं जी, पता नहीं किसका नंबर मिलाया हुआ है, ये देखें, ये देखें, मौजा ले बैठे हैं। उधर से मेहरान और ज़ैनब आ रहे हैं। और जी अभी जो है असलम खान के घर पहुंच चुके हैं, भाभी जी को देखते हैं कि भाभी क्या कर रही हैं घर में, तो उनसे मुलाकात करते हैं, चंद बातें उनसे भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आके देखा तो माशाल्लाह चाय बना रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, भाभी क्या हाल हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ जी, तबीयत तो कुछ है थोड़ी सी खराब। गोलियाँ मिली थी? हाँ जी, गोलियाँ मिली थी। खा ली हैं? जी हाँ। चलो फिट हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा जी। चाय आप आज लेट बना रही हैं? हाँ जी, क्योंकि आज लेट हो गई, ऊपर से दूध नहीं मिला, लेट मिला है, और फिर जैसे चाय बनाने लगी तो फिर सीमेंट आ गई, बोला है कि अंदर जाओ सीमेंट रखनी है, फिर इसलिए लेट हो गई। चलो जी, बच्चे बुच्चे की आवाज नहीं आ रही, किधर गए हैं? वो सब आपके घर में गए हुए थे। अच्छा, हाँ जी, इधर बैठे तो वो बोलते है कि हमें खाला के घर जाना है। अच्छा अच्छा, मैं इधर गया था आपके घर। हाँ जी, तो वो चले गए होंगे। वो उधर ही गए होंगे। चलें जी, ओके हो गया, चाय जो है भेजें, हमारी भी चाय भेजनी है। हाँ जी, गुड हो गया। यहाँ पे जी शबाज साहब रेत का बोरा लेके जा रहे हैं, आप भी रेत का बोरा लेके जाएंगे? मैं बोरे लेके जाऊंगा, एक बोरा लेके जाऊंगा। अच्छा, इसमें? जी, गुड हो गया। तो चलें जी, ये गाड़ी आई हुई है, कौन है इसमें देखते हैं जाके। क्या हो गया भाई को? तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, अरे बस मसला ना, रिंग कर दो फोन ना। तो क्या कर रहा? अहमद भाई की तबीयत जो है खराब हो गई है। है पे जो साइड पे हो जा, साइड पे। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है। क्या मसला हुआ है भाई के साथ? ओ, अपना ना खांसी थी ना, तो वो इंजेक्शन लगाते ना, सुकून वगैरह का, यानी कि वो बलगम, यानी कि वो जो निकल जाए। अच्छा अच्छा, उसके साथ सुकून भी और बलगम का भी हुआ है ना, कि जो यानी कि सांस की नाली में बलगम जमी पड़ी है वो सही हो जाए। अच्छा अच्छा, आप ही कुछ घंटा तो डेढ़ घंटा सुकून होगा ना। आप तो डॉक्टर फील्ड में जानते ना, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, वेन में वो लगा पड़ा। फिर चलो ठीक हो गया, बाकी नुकसान है डॉक्टर का, अलग रहेगा कुछ नहीं होगा, आप ठीक है। चलो अल्लाह खैर करे बेटा, बंद कर, मैं जा रहा हूँ। बंद कर लो बेटा,
ओके जी, अल्लाह हाफिज। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिंक करके, मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा। ठीक हो गया, अल्लाह करेगा नहीं आएगा इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जाट भाई, मेरे ख्याल में छुट्टी का टाइम हो गया, पाँव धो रहे हो? जी जी। अच्छा, चाय शाय फिर नहीं पीनी? हाँ आपने बनाई है तो पियेंगे। चाय तो बन गई है, पियेंगे फिर। लेने क्या है मुंशी चाय? और सॉरी, माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। शूटिंग पे गए हुए? हाँ जी, बावलपुर। एक हमारा गाना आ रहा है, कमरवाल छीना सिंगर है, उसकी मॉडलिंग हमने की है, जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगा, फिर आपको वो मुकम्मल गाना सुनवाएंगे। हाँ जी, जाट जाट को भी सुनाएंगे जी इंशाल्लाह। हाँ जी, गाने के बोल हैं, इश्क केज ही चोट लई है, बन गया नशा ही है। ओह क्या जालिम गाना लगाया आपने। हाँ जी, जाट बंद करो भाई, मोटर बंद कर दो भाई, मोटर बंद कर दो। अच्छा धो लो, इश्क जी चोट लई है। माशाल्लाह जी, नाम ले लिया जट साहब ने, बहुत खुश हैं माशाल्लाह। 1,000 रुपया, और इधर कामरान ने भी ले लिया जी, ने ले लिया, सब ने ले लिया जी, सब ने 1,000 इनाम ले लिया, वेरी गुड। हाँ जी, ओके हो गया, जबरदस्त। शहबाज साहब तरह लहरा है, वाह वाह, शहबाज साहब ने उधर ही बैठ के ऐसे कर दिया, गुड गुड। ओके जी, जा रहे हैं जी सर, अल्लाह हाफिज जी, बहुत मेहरबानी। जाट अभी बैठे हैं यहाँ पे, आपने भी जाना है? जी जी, अभी तो हम भी जा रहे हैं। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, इनाम मिला है आपको। अभी जो है मिस्त्री मजदूर छुट्टी करके जा रहे हैं जी। पाजी आ नहीं के लेना ये रुबारू साथ है पाजी। तो जी अभी असलम खान ने जो है इनाम दिया है मिस्त्री मजदूरों को, और उसके बाद मिस्त्री साहब को उसकी मजदूरी भी दी है 5,000 रुपये। तो अभी पहुंच गए हैं गेट के अंदर, देखते हैं क्या माहौल है। और यहाँ पे खड़ी हंस रही हो? मैं उधर आ रही थी। अच्छा, मिस्त्री मजदूर चले गए हैं अब? इसलिए चले गए हैं, मौजा मलिक हो गया है, कुछ सौदे लेने थे और सिलेंडर जो है वो खाली हुआ पड़ा था। अच्छा, गैस भरवाने चला गया, मैंने कहा उधर डिजाइन वगैरह जो बना हुआ है वो चक्कर लगा के आ जाए। चले आए फिर, आ जाए जी, आपको डिजाइन चेक करवाए। शोर किस बात का था? शोर वो एक फैसला हो रहा था, एक तो फैसला करना, तो फैसला हो गया है। ये हैं जी, चेक करें, ये डिजाइन बने हुए हैं। असलम खान भी मौजूद है, मुंशी भी मौजूद है, कैसे बने खड़े? आगे हो जाएं, जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। उधर रूम में जाने के लिए खूबसूरत है ये वाला डिजाइन, इनकी ना 4 तौलियां लगी हुई हैं, ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उनकी 3 है वो कुछ कम लग रहा है, उसकी चौथी वो है, इसकी 5वीं वो है ऊपर की जो है, उसकी चौथी वो है ऊपर वाली, वो वाला जो लंदर था। हां जी, आप ये देखें कि हमारा नलका देखें किस जगह पर पहुंच गया है, दीवार के करीब। आपको ये दीवार आप ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इधर आएंगे ना नलके पे, ये इधर जब आते हैं ना हम, ये इधर इधर जब हम आते हैं ना, तो बाहर गली से भी लोग नजर आते हैं, और गली से यहाँ बंदा जो होगा खड़ा वो भी नजर आ जाएगा, इसलिए दीवार को। ये तो असलम खान को ज्यादा मसला होगा ना? नहीं, वो आपने, मैंने बात कर ली है मुखलिस भाई से, उन्होंने कहा ठीक है हम दीवार दिलवा देंगे। चलो कह दिया था, बाकी ये है प्लास्टर मेरी जिम्मेदारी, इधर से ना सारा आपका ये प्लास्टर हो जाना है। फिर हवा हमारे यहाँ कहाँ से आएगी, चारों तरफ हवा, इधर गेट से आती है, उधर वो से गुजर आती है, सीढ़ी से गुजर के आती है। जब हवा, जब थोड़ा सा आप इस कंध को ऊपर करेंगे वो हवा को नहीं रोक लेगी। और मैं ना वो भी कह रही थी आज मुखलिस को, ये देखे ना, ये जो हमारा सेंटर बच्चा पड़ा है उधर बैठा गया ना,
इधर से इधर से आपकी वॉशरूम की दीवार है, बीच में जो गेट के नीचे जो है सेंटर वो अच्छा नहीं लग रहा, उनके उन दीवारों के बराबर हो जाए ना, हेड बन जाए गेट के ऊपर, मतलब भीम बांध के फिर ऊपर ग्रिल लगा दें, तो अच्छा नक्शा बन जाएगा आप ऐसे बनेगा। फ्रंट फ्रंट मेरा कैसा है, मेरा भी तो आपके बराबर ही है गेट, इधर से सिर्फ पिलर जो है उसका डिजाइन निकालेंगे, बाकी ऐसे सही है, कोई मसला नहीं है। नहीं आपका उधर से छुट्टा पड़ा है ना, हमारे जब सहन में खड़ोगे ना उधर रोक, अभी अभी आपका ना ये दो चार बार जो देने हैं वो जुम्मा को देंगे, वो जो आपकी कनोपी है उससे डिजाइन छत पे डिजाइन भी करके देंगे एक ही तरीके में, ठीक हो गया। असलम खान ने उनको बोला, उन्होंने कहा कि जुम्मे कर लेंगे, फिर वो तंदूरी तंदूरी वो कहता है कि लेके रखी हुई है मैंने, आपने प्लास्टर करना है, मतलब फ्रंट प्लास्टर करना है कि सारे अंदर से भी प्लास्टर करने हैं, वो देख लेंगे जो डिजाइन करेंगे या दीवार देंगे जो डिजाइन करेंगे देख लें, अगर बनता है ना तो मेरा मशवरा यही है, अंदर से आप सर्दियां आ रही है ना उसको अंदर से प्लास्टर करा लें, सारा फ्रंट भी प्लास्टर करा लें, ऊपर डिजाइन बनवा दें, तंदूर भी लगा दें, फिर आपकी बेहतरीन लोकेशन बन जाएगी। ये तो है, फिर आप रहें उधर खाएं पकाएं, ठीक है, पर ऊपर डिजाइन करवा के ना प्लास्टर करवा लें, काम मैं कहती हूं करवा लें। हां जी अच्छा रहेगा, बाकी ये आगे बैठा कोई है आगे वाला जो सिस्टम है ना ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते रहना, हां ये प्लास्टर मुस्तर ये वाले होते रहेंगे ऊपर अपने बेहतरीन सिस्टम, क्योंकि सर्दियां आ रही है ना नीचे, इतना ज्यादा सर्दी होगी ना आपको ऊपर ही रहना पड़ेगा, ऊपर धूप भी चाहिए होगी दिन को, हाँ जी, और रात को, रात को तो नीचे भी सो जा सकते हैं ऊपर भी सो सकते हैं जान दिल करे, बाकी ये है कि धूप के लिए आपको ऊपर रहना पड़ेगा, हाँ सर्दियों में धूप लगाने के लिए, इधर धूप नहीं आएगी ना। अच्छा वो किस चीज की डोर है ये अंदर दरवाजे की, अंदर वाला वो कमरे का दरवाजा, ये अभी लगा देंगे ना तो प्लास्टर के टाइम ना बाद में नहीं तोड़ पाओगे, 6-3 है, फिक्स हुई खड़ी है ना ऐसे फिक्स हो जाएगी, 6-3 है, 7-4 है, 7 फुट लंबाई है, चौड़ाई है 3 फुट और 5 इंच है, 4 इंच है पता नहीं। अच्छा चलो जी, एक पल्ले वाला दरवाजा लगाएंगे ना इसको, इस पे एक पल्ले वाला है, उसका दो पल्ले वाला है, और ये डिजाइन आपने देखना था, ये आपने डिजाइन देख लिया, तो अभी टाइम इज ओवर, ओके हो गया, अब देख लिया, चलें जी, तो यहाँ पे व्लॉग अपना होता है स्टार्ट, ओ नहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।